हिंदी लिटरेचर में एबल मैं बादल हूँ। चैप्टर क्या है? एबल मैं बादल हूँ। आज इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी हमें क्या करना है? रीडिंग करना है आज, ठीक है। हमने एक चैप्टर तक आपको पढ़ाया था, उसके बाद क्या पढ़ाया था? ग्रामर। तो आज हम फिर लिटरेचर स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का उद्देश्य हमारा क्या है? हिंदी की आत्मकथा शैली में परिचय करना, बादल में बादल के विषय में संक्षिप्त जानकारी देना। तो क्या है हमें बादल? बादल हमें क्या कर रहा है? जानकारी दिया है इस पाठ में। तो देखते हैं पाठ का सार क्या है। प्रस्तुत पाठ में मैं बादल हूँ बादल की आत्मकथा है। इसमें बादल द्वारा अपनी कहानी बताई गई है, अपने परिवार के स्वभाव के बारे में बता रहा है। सूर्य पुत्री किरण माँ, सागर पिता है। बादल का स्वभाव मधुर और शीतल है, या किसानों तथा प्राणियों का हित करने वाला है। बादल समुद्र से भाप उड़ने से बनता है। इसका रूप आकर्षक है, भयंकर रूप होने पर या बाढ़ ला देता है। इसकी कभी प्राणी जगत में त्राहि त्राहि मचा देती है। पाठ को रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए देखते हैं हम अपनी जो पाठ 11 में बादल हूँ इसकी कहानी को देखते हैं। मेरी आत्मकथा ध्यानपूर्वक सुनो। बादल क्या कह रहा है? मेरी आत्मकथा ध्यान लगाकर सुनो। आओ सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दूँ। मैं सांवले और चिकने शरीर वाला हूँ। बादल कैसा है? सांवले और चिकने शरीर वाला है। मैं कई बार अपना रूप रंग बदलता हूँ। मैं तुम्हें जहाँ आकर्षक लगता हूँ वहीं मैं शेर की तरह गरजता भी हूँ। जब मैं आंखें दिखाता हूँ तो लोग कहते हैं बिजली चमक रही है। वायु के साथ मैं संसार में स्वच्छंद घूमता हूँ। बच्चों क्या तुम मुझे पहचान गए? मैं कौन हूँ? मैं हूँ बादल। वैसे लोग मुझे मेघ, घन, जलधर, नीरज आदि सब अन्य नामों से भी पुकारते हैं। मुझे अपने सभी नाम अच्छे लगते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा स्वागत होता है। अब मैं अपने इस परिवार से मैं उनके बिल्कुल भिन्न हूँ। क्या कह रहा है? मैं अपने परिवार से बिल्कुल अलग हूँ। मेरे पिता खारे स्वभाव के हैं, मुझे तो आप जानते ही हो। मैं तो खारे पानी को भी अमृत की तरह मीठा बनाकर संसार को देता हूँ। मेरी माँ भी तीखे और तेज स्वभाव की है, किंतु मैं शीतल स्वभाव का हूँ। ना मैं एक अच्छा पुत्र, मैं समुद्र से भाप के रूप में ऊपर उठता हूँ और वर्षा के रूप में जल कणों को धरती पर उड़ेल देता हूँ। धरती पर क्या करते हैं? जो वर्षा का जल होता है नीचे गिरा देते हैं। मैं परोपकारी जीव हूँ, मुझे सभी प्राणियों के सुख की चिंता लगी रहती। किसानों की भी मुझे विशेष चिंता रहती। किसान मेरा सच्चा मित्र है, वह मुझे आता देखकर फूला नहीं समाता। मुझे देखते ही वह खुशी से नाच उठता है। या मैं ही हूँ जो नदियों, तालाबों, पोखरों को जल से भरता हूँ। झरनों की शोभा को मैं ही बढ़ाता हूँ। बागों के वृक्षों को मैं ही फलों से लाता हूँ। मैं रेगिस्तान को उपवन में बदल सकता हूँ। मेरे रूप पर रीझकर अनेक कवियों ने कविताओं की रचना कर डाली है। मैं जो जलकर धरती पर उड़ता हूँ उन्हें वर्षा रानी की उपाधि भी उन्होंने ही दी है। या तो मेरा आकर्षक रूप है। अब मैं तुम्हें अपने दूसरे रूप से परिचित कराता हूँ। मेरा यह रूप बड़ा भयंकर है। क्या कह रहा है बादल? मेरा यह रूप बड़ा भयंकर है। जब मैं अपने को संभाल नहीं पाता तब मैं पृथ्वी पर बाढ़ ला देता हूँ।
खेत खलियान घर मकान सभी पानी में डूब जाते, तब मेरा मित्र किसान भी मुझे कोसने लगता है। मैं स्वयं भी इस स्थिति से दुखी हूँ हो जाता हूँ। वैसे मैं सबका भला चाहने वाला हूँ, मैं सभी प्राणियों के प्रति दयालु बना रहना चाहता हूँ, पर कोई ना कोई कमी तो सभी में होती है, सभी तो पूर्ण नहीं होते हैं। मेरे ना आने पर सूखा पड़ जाता है, हरे भरे खेत सूख जाते हैं, प्राणी जगत पानी के लिए त्राहि त्राहि कर उठता है। क्या तुम जानते हो इस स्थिति के लिए मैं नहीं बल्कि तुम दोषी हो। बस इतनी ही है मेरी जीवन का, बादल ने अपना बता दिया, अपना परिचय दे दिया। तो इसमें क्या करना है आपको, जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसको आपको अपनी कॉपी में, हिंदी लिटरेचर की कॉपी में आपको राइट कर लेना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपको